नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में नवनियुक्त थानाधिकारी विष्णु सिंह ने आज शाम थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों, शांति समिति सदस्यों, ग्राम रक्षक दल और पुलिस मित्रों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और क्राइम कंट्रोल को लेकर सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आमजन से क्राइम कंट्रोल के लिए सुझाव भी मांगे। बैठक के दौरान अस्पताल से लेकर पुराना बस स्टैंड तक जाम लगने की समस्या एवं समाधान को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान कई सदस्यों ने नए थानाधिकारी को कस्बे में इन दिनों सड़कों पर आवारा सांडों का आतंक ज्यादा देखने को मिल रहा है, सांडों की लड़ाई में जनता त्रस्त हो रही जबकि ग्राम पंचायत मस्त नजर आ रही है। एक व्यक्ति की मौत एवं कई घायल होने के बाद भी नहीं तो ग्राम पंचायत नींद से जागी नहीं, प्रशासन जागा हो सकता है, प्रशासन एक और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यह मुद्दा नागरिक विकास मंच ओम प्रकाश शर्मा, जीएसएस अध्यक्ष दौलत सिंह सिसोदिया, मनु जोशी, कल्लू पठान, शिव कुमार गुप्ता समेत कई सदस्यों द्वारा जोर शोर से उठाया गया। गौशाला के अध्यक्ष सुरेंद्र सोनी, नरेश गुप्ता ने यह कहकर ऊंचे हाथ खड़े कर दिए कि हम नंदी को जो शाला में नहीं रख सकते। चर्चा में भाग लेते हुए प्रभुलाल कोटवार ने बताया कि पूर्व सरपंच राजेश मंडलोई द्वारा जोर शोर से खोली गई गौशाला में इन सांडों को रखवाया जाए। पूर्व सरपंच राजेश मंडोवली ने गौशाला में आदमी नहीं होना बताया। मुद्दे का वितरण करते हुए उपस्थित सरपंच जितेंद्र मंडलोई एवं वार्ड पंच तेज सिंह सिसोदिया, वार्ड पंच अशफाक आदि ने अपने दायित्व को समझते हुए सांडों को जंगल में छोड़ने का आश्वासन दिया, जिसमें पुलिस कार्य में मदद करेगी। यह भी थे उपस्थित रमेश पालीवाल, हरीश पालीवाल, धीरज चौधरी, जाकी टेलर, सोनू पालीवाल, शांति नामदेव, प्रदीप बाफना समेत दर्जनों सदस्य मौजूद थे। सर, अभी आपने थाना प्रभारी सुनील में एसओएचओ का पदभार ग्रहण किया, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उसको लेकर के ही हम सुनेल कस्बे में और सुनेल थाना क्षेत्र में प्रयासरत रहेंगे इसी काम के लिए।